दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तनाव के कारण हमारे शरीर के कुछ अंग बहुत कमजोर हो जाते हैं। तनाव से केवल अंग ही कमजोर नहीं होते बल्कि उनकी कार्यप्रणाली भी प्रभावित होती है। मौजूदा वक्त में कामकाजी पुरुष हों या महिला, स्कूली छात्र हों या कॉलेज के छात्र, सभी किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहते हैं, जिसके पीछे एक बड़ा कारण खराब जीवन शैली भी है। बहुत से लोग जरा जरा सी बातों पर तनाव ले लेते हैं, जो न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि उनमें शारीरिक दिक्कतें भी जन्म ले लेती हैं। तनाव के कारण इंसान का शरीर अस्वस्थ होने लगता है और वो बीमारियों के शिकंजे में घिर जाता है। क्या आप जानते हैं कि तनाव के कारण हमारे शरीर के कुछ अंग कमजोर हो जाते हैं? अगर नहीं तो हम आपको तनाव के कारण शरीर के प्रभावित अंगों के बारे में आज बताने जा रहे हैं। तनाव के कारण न केवल अंग कमजोर होते हैं बल्कि उन अंग की कार्यप्रणाली भी प्रभावित होती है। इसलिए अगर आपको तनाव लेने की आदत है तो इसे दूर करने की कोशिश भी कीजिए। चलिए सबसे पहले हम तनाव के कारण प्रभावित होने वाले अंग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है दिमाग। मौजूदा वक्त में तनाव हमारी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। तनाव ही इंसानी दिमाग को कमजोर करने का एक बड़ा कारण भी है। दरअसल तनाव में रहने से दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो हमारे मस्तिष्क के सेरिब्रम पर सबसे ज्यादा असर करता है। जब सेरिब्रम प्रभावित होता है, इससे सेरिब्रम की कार्यप्रणाली भी प्रभावित होती है। सेरिब्रम के प्रभावित होने से मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और वह खुद को अस्वस्थ महसूस करने लगता है। अगला है आँख। तनाव से न केवल हमारा दिमाग बल्कि आँखें भी कमजोर हो जाती हैं। तब मनुष्य को तनाव होने लगता है तो उसे चीजें धुंधली दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। इतना ही नहीं, तनाव के कारण आँखों में कई तरह की परेशानियां भी पैदा हो जाती हैं। तनाव के कारण रेटिना की कार्यप्रणाली प्रभावित होने लगती है, जिससे आँखों की रोशनी जाने का खतरा पैदा हो जाता है। अगला है हृदय। वर्तमान में हृदय रोग पूरी दुनिया में होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। हृदय रोगों के होने के पीछे एक बड़ा कारण तनाव भी है, क्योंकि तनाव के कारण हृदय पर दबाव पड़ता है, जिससे हृदय की गति में अंतर पैदा हो जाता है। तनाव के कारण व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हृदय संबंधित बीमारी उसे अपनी चपेट में ले लेती है। तनाव के कारण व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है और धीमे धीमे उसका दिल कमजोर होने लगता है। अगला है महिलाओं की बच्चेदानी। अगर कोई महिला अक्सर तनाव में रहती है तो दिमाग, आँख और दिल के अलावा उसकी बच्चेदानी पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। महिला के तनाव में रहने से बच्चेदानी की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। बच्चेदानी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होने से उसकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं हो पाता, जिसके कारण महिलाओं की बच्चेदानी कमजोर हो जाती है। बच्चेदानी के कमजोर होने से महिलाओं में मां बनने की परेशानी आ जाती है। तो इसका उपाय क्या है? इसका सीधा सा एक उपाय है कि आप दिमाग पर ज्यादा लोड ना लें, यानी कि तनाव ना लें। सुबह सुबह योग करें, घूमें और ज्यादा से ज्यादा आप अपनी परेशानियों का हल खुद निकालने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी अपनी परेशानी को और कोई नहीं सुलझा सकता।